फ्रेंड्स मैं कृष्णा, मैं नीलम। तो फ्रेंड ये लीजिए, आज हम हाजिर हो गए रेसिपी में। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं दिल्ली के फेमस स्ट्रीट राम लड्डू। फ्रेंड्स हम सबसे पहले उस रेसिपी को बनाने के लिए तो हमको सबसे पहले क्या करना है, चने की दाल को और मूंग की दाल को भिगो देंगे। वो कैसे भिगोना है, आप चाहे तो 4 घंटे पहले भिगो सकते हो या फिर अपनी पूरी नाइट में भिगो के रख सकते हो। तो हमको क्या करना है, सिलबट्टे या मिक्सी पे पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास सिलबट्टा है, चलो सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड ये गया नमक, फ्रेंड ये गई थोड़ी सी हींग, चुटकी भर हींग लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ये थोड़ा बेकिंग सोडा, तो फ्रेंड्स अभी हम बनाने जा रहे हैं चटनी, और चटनी के लिए हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये लहसुन है, और ये थोड़ा नमक है, ये अदरक है, अदरक और ये हरी मिर्च और ये धनिया। अब इसको हम पीस लेंगे। फ्रेंड ये लीजिए, अभी आपने देख ही लिया होगा कि हमने कैसे बनाए ये लड्डू, मतलब दाल के लड्डू। और अभी इसको हमको तैयार करना है, पूरी चाट बनानी है इनकी। और कैसे बनेगी फ्रेंड्स लड्डू की चाट, तो सबसे पहले हमने प्लेट में ले लिया है, बाकी आपने देख लिया होगा हमने हरी चटनी कैसे तैयार करी। और बाकी यहाँ पर मूली उपलब्ध नहीं है, तो फ्रेंड मूली की जगह पर हम ये खीरा यूज़ कर रहे हैं, खीरा को हमने ग्रेट कर लिया है। और ये केचप,
और ये टमाटो केचप है और ये चाट मसाला है। बनाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये ग्रीन वाली चटनी लेनी है। ग्रीन वाली चटनी को डालना है इन दाल के पकौड़ियों पर अच्छी तरह से। जितना आपको पसंद है, जितना तीखा पसंद है उतना तीखा डाल सकते हो। हरी चटनी और इसके ऊपर से भी थोड़ी नींबू की मिर्च। अब डालेंगे थोड़ा टमाटो केचप। तो फ्रेंड्स अब डालेंगे हम थोड़ा चाट मसाला इसके ऊपर से। थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा इन्हें खट्टा करने के लिए नींबू डाल देंगे। पीजिए हमारे तैयार है राम लड्डू बनके। आप देख सकते हो राम लड्डू चाट। और अभी आपने इसकी पूरी रेसिपी देख ली है और बाकी खाने की बात है, अभी हम दोनों खाने वाले हैं मिलकर। तो फ्रेंड्स आप इसको आसानी से बना सकते हो, घर पे कुछ नहीं करना, बस दाल भिगोनी है। दाल भिगो के भिगोने के बाद उनकी पकौड़ी बनानी है, पकौड़ी तैयार करनी है। पकौड़ी तैयार करने के बाद थोड़ी हरी चटनी बनानी है। हरी चटनी बनाने के बाद जो जो प्रोसेस आपने देखा सेम उसको फॉलो कीजिए और ये आपके टेस्टी लड्डू बन के तैयार, राम लड्डू चाट। फ्रेंड चलिए ट्राई करते खाते हैं। काफी करा रहे हैं। तो मुझे तो थोड़ा केचप और चाहिए। चटनी काफ़ी स्पाइसी है। कैसे लग रहे बस तुम्हें खाने में मज़ा आ रहा है। किसी चीज़ की कमी काफ़ी अच्छे बने हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे बने सिस्टर के लिए। और ये नींबू का आइडिया वैसे मेरा नहीं था, नींबू निचोड़ने का आइडिया मेरी सिस्टर का ही था। और इससे टेस्ट इसमें बाकी में एकदम मस्त आ रहा है। बढ़िया लगता है आपको ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। तभी तो खा रहा हूँ। पानी भी चाहिए। पानी मत पियो, खाओ। वो आप भी बनाए खाइए। मुझे लगता है मुझे खाते समय देख के आपको कहीं पानी नहीं आ रहा। और अभी बिना वाली खाने वाले हैं तो बिना वाली कैमरा होल्ड किया हुआ है। तो मैं आज मैं अपनी सिस्टर को खाना सिखाने वाला हूँ। भुक्कड़ कैसे खाते हैं कैसे खाते हैं खाओ। फिर पूरा चटनी में ऐसे डिप करते हैं, पूरी अच्छी तरह लपालप ऐसे लपालप डिप करते हैं चटनी में। फिर अगर ऐसे आप कैसा लगा मिठाई की स्टाइल कैसी लगी?
सुनो चलिए, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग मज़ेदार रेसिपी में अगली बार। तो आज के लिए बाय।